प्रभु राम ने पूछा, अपने मंत्रिमंडल बैठे थे, सबसे पूछा कि भाई बताओ ये सागर को पार कैसे किया जाए। अब विभीषण कुछ ही दिन पहले उसी मंत्रिमंडल में जुड़े हैं, तो विभीषण जी ने तुरंत कहा, प्रभु ऐसा है, देखिए ये जो समुद्र है ये आपके कुलगुरु हैं, तो आप एक काम कीजिए, समुद्र देवता को प्रार्थना कीजिए, उसकी मदद से आप ये सागर को पार कर लीजिए, आपकी सेना भी पार हो जाएगी। जैसे ही विभीषण ने कहा कि प्रभु कुल गुरु को आवाज लगाइए, उनसे मदद मांगिए, तो तुरंत लक्ष्मण बोले, बिल्कुल नहीं, ये दूसरा पक्ष, दूसरा पक्ष। लक्ष्मण पुरुषार्थवादी है, वो प्रभु राम से कहते हैं, आप भी किसकी बात में आते हैं प्रभु, देव को पुकारना ये तो आलसी का काम है, दैव दैव आलसी पुकारा, उद्योग करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, ये तो देवता के चक्कर में हम निश्चिंत होकर बैठेंगे तो काम ही नहीं होगा, पता नहीं कितनी देर लग जाए। तो हमारा मत है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। देखिए भगवान राम ये सेतु बना रहे, उन्होंने दोनों पक्ष की बात को इस दृष्टिकोण से नहीं सुना कि दोनों का भिन्न भिन्न मत है। प्रभु राम ने दोनों की बात को इस प्रकार से सुना कि दोनों मुझसे कितना प्यार करते, किनारे कब जुड़ेंगे, माना कि वो किनारे है, दोनों का वर्ग अलग है, व्यवहार अलग है। अब आप यदि अपने आप को देखें कि दूरियां जो होती हैं, ये दूरियां केवल वर्ग में नहीं, व्यवहार में नहीं, भावनाओं में नहीं, हम तो स्वयं में देखते हैं कि मन और बुद्धि में भी दूरी, ये तो हमारी स्थिति, लेकिन भगवान वो है जो भावनाओं की दूरी, व्यवहार की दूरी, वर्ग की दूरी, हर दूरी को सेतु बनाकर जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान राम किसी वर्ग के पक्ष में नहीं है, किसी व्यवहार का समर्थन नहीं करते। इसलिए प्रभु राम ने किस दृष्टिकोण से देखा, ये दोनों मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में जो समता है उसको मुझे ग्रहण करना है, उसको मुझे देखना है, समन्वय का मार्ग लेना है, यही हम लोगों में कमी है। हमारी दृष्टि दूरी देखने में तो चली जाती है, लेकिन हम में वो कला नहीं है कि दोनों में जो दूरी है इसमें कोई तो समानता होगी, कोई तो एकता होगी, बस जिसने एकता को खोज लिया वही सेतु बना सकता है, उसमें वो व्यक्तित्व है। माना कि एक वर्ग बुद्धिजन का है, एक वर्ग साधारण का है, ठीक है, दोनों की क्षमता में भिन्नता होगी, दोनों की समझ में भिन्नता होगी, लेकिन कुछ तो एकता होगी, कुछ तो समानता होगी। बुद्धिजन ये तो नहीं कह सकता कि मुझे सुख नहीं चाहिए और साधारण जन कहे कि मैं सुख चाहता हूं, सुख तो सबको चाहिए, ये एकता, ये समानता। तो हमें ये देखना है कि दो किनारों में कौन सी ऐसी चीज है जो एकता रखती है, जो समानता रखती है, जो इन दूरियों को जोड़ सकती है। भगवान राम ने विभीषण की बात को सुना, लक्ष्मण की बात को भी सुना, और सुन के क्या किया, बिहसी, मुस्कुरा दिए, हंस दिए और बोले, धीरे, लक्ष्मण मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो। ये नहीं कहा कि विभीषण हम तुम्हारी बात मानते हैं, तुम ठीक बोल रहे हो, या ये नहीं कहा कि लक्ष्मण हम तुम्हारी बात से सहमत है, तुम जो कह रहे हो कि हमें धनुष बाण उठाकर समुद्र को पार करना चाहिए, हम तुम्हारी बात मानते हैं, नहीं, सेतु सेतु बनाया। तो क्या कहा प्रभु राम ने, प्रभु राम जी ने ये कहा कि देखो हम धैर्य धरते हैं, 3 दिन मैं समुद्र के किनारे अनशन करके बैठूंगा, और वो बैठे अनशन करके, लेकिन 3 दिन तक जब समुद्र विनती नहीं सुने, प्रार्थना नहीं सुने, तो प्रभु राम ने रोष किया, सकोप, क्रोध किया। आप कहेंगे क्रोध तो किया ना, ये तो गड़बड़ है, ना ना, यहां जो राम का क्रोध हो रहा है वो तोड़ने के लिए नहीं हो रहा है,
आपको जोड़ने के लिए हो रहा है। वहां पर बड़ा सुंदर कहते हैं, बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इसको मुझे अब भय दिखाना होगा, क्योंकि कुछ लोग प्रीत से प्रीति करते, कुछ लोग भय से प्रीति करते। इसको भय से प्रीति मेरा लक्ष्य है, जोड़ना मेरा लक्ष्य है। अब वो चाहे भय से जुड़े चाहे प्रेम से जुड़े, लेकिन जोड़ूंगा। तो इसीलिए तीन दिन के बाद प्रभु राम ने क्रोध किया, और क्रोध करके लक्ष्मण से क्या कहते, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जल्दी से बाण लेकर आ। तो लक्ष्मण ने कहा, देखा ना मेरी बात सुन ली प्रभु राम ने। इधर विभीषण सोच रहे, देखो हमारी बात सुनी, तीन दिन पुकारा समुद्र को, उनकी बात भी रही। इधर लक्ष्मण को जब कहा धनुष बाणना, तो लक्ष्मण सोच रहे बस अभी सुखा देंगे ये समुद्र को, लेकिन बाण धनुष पर रखा है, छोड़ते नहीं, भय दिखाते हैं, छोड़ते नहीं। ये मत सोचना कि लक्ष्मण की विजय हुई या विभीषण की विजय हुई, विजय विजय नहीं, वो दोनों को जिताएंगे। ये सेतु है, वो दोनों को जिताएंगे। इसीलिए उन्होंने भय दिखाया समुद्र को, क्योंकि उनको चिंता है कि यदि मैंने सुखा दिया समुद्र को, तो यहाँ जो प्राणी है उनका क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे निर्दोष। तो उन्होंने भय दिखाया, जब भय दिखाया तो समुद्र प्रकट हुआ, और समुद्र ने कहा, प्रभु आप धनुष बाण लेकर मुझे सुखाना चाहते, ये तो आपकी लीला है, मुझको बनाने वाले आप, मुझे सुखाने वाले भी आप, ये धनुष वनुष लेकर सुखाने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये मानवीय लीला कर रहे हैं तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे सुखाने के लिए आपको इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं। परंतु हे राम, मैं जानता हूं कि आप मुझे सुखा सकते हैं और सेना सहित आप लंका जा सकते हैं, लेकिन मेरी राय सुन लीजिए प्रभु, एक काम कीजिए, आप इस समुद्र पर सेतु बना दीजिए, और उस सेतु के बनाने में मैं और ये बंदर सब मदद करेंगे। तो यहाँ बहिरंग रूप से समुद्र सेतु बनाने की बात कर रहा है, लेकिन प्रभु राम क्या कर रहे हैं, वो विभीषण और लक्ष्मण दोनों के मतों में जो अंतर है, दोनों को जिताकर सेतु बनाकर दोनों में प्रेम भाव भर